बिफोर आई स्टार्ट माई दिस वीडियो आई वॉन्ट यू पीपल टू सेव माई दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो आपको आगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन में कैट के काम आने वाला है. जब जब आपका स्कोर नहीं आएगा या गलतियाँ करोगे ठीक है या सेक्शन में प्रॉब्लम होगा कोई टॉपिक नहीं बनेगा ये वीडियो देख लेना आप क्या गलती कर रहे हो. ये वीडियो आपको बार बार याद दिलाएगा ठीक है बिकॉज ऑल द एक्सपीरियंसेज विच आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो विल बी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. जब मैंने मेरा कैट लिखा था आई स्कोर 99+ परसेंटाइल तो क्या क्या मैंने गलतियाँ की थी और जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बीइंग अ एमबीए एस्पिरेंट ठीक है. सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड हो सके तो पॉइंटर्स जॉट डाउन करके आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो कि हाँ ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है. करना तो आपको पढ़ाई करनी है वो तो सही है बट क्या नहीं करना है वो ज़्यादा जरूरी है पता होना ठीक है. सो तीन चीज़ें करना है बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है सारे लोगों को बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट रीजन इज नथिंग बट लेट प्रिपरेशन स्टार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैट एग्जाम. ये गलती मतलब भाई 50% से ज़्यादा जनता करती है. एक तो सबसे पहले लेट पढ़ाई चालू करेगी उनको लगता है कैट ईजी है आराम से मैं एक महीने दो महीने में कर लूँगा. भाई मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाला बात है किसी एक का निकल गया तो बड़ी बात है ठीक है. या तो उसका ऑडी कुछ अच्छा था या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या तो IIT वाला बैकग्राउंड है तो मैथ्स में तो कोई लोड नहीं है वर्बल में उसको LRDA में काम करना है. तो थोड़ा सा एक डिसेंट टाइम लेके पढ़ो. अब मेरे से आप ये भी पूछोगे सर राइट टाइम क्या है तो स्टार्ट करने का तो राइट टाइम एज सच मतलब आपने डिसाइड किया आप वही राइट टाइम है. बट आइडली एटलीस्ट एक साल की पढ़ाई तो चाहिए यार. एक साल 6 महीना 9 महीने कम से कम इतना तो चाहिए ठीक है. तो अब आप देख लो कि आपका मैथ्स अच्छा है इंग्लिश अच्छा है लॉजिक अच्छा है ये आप देख लो ठीक है. बिकॉज हर चीज़ें हर सेक्शन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सा कुछ नहीं होता कैट के अंदर. इट इज़ मोर ऑफ अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक्चुअली में लॉजिक भी लगाना है और मैथ्स भी सॉल्व करना है. इंग्लिश में भी सेम चीज़ है लॉजिक है फिर इंग्लिश है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा कि मैं इंग्लिश में ग्रामर वाला क्वेश्चन दे दो बहुत सिंपल सा CET वगैरह एंड मैथ स्नैप जैसा आता है वैसा कैट नहीं होता भाई. तो पहले एग्जाम को समझो और जल्दी आपकी पढ़ाई चालू करो. सो दैट इज़ वाई एट मिनिमम वी लॉन्च बैचेस दिसंबर ऑनवर्ड. मतलब कैट हो गया नवंबर में ख़त्म हो जाता है फिर दिसंबर से हम बैचेस चालू कर देते हैं. नवंबर से दिसंबर से बैचेस चालू हो जाती है. सो इनकेस वी वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो ये सारी डिटेल्स है. मुंबई के लिए क्लासरूम यू कैन विजिट बोरीवली दादर वसई थाने अंधेरी एंड लाइव के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो. बट स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन. ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द एग्ज़ाम वॉट आर द सिलेबस क्या कट ऑफ होंगे कॉलेजेस कौन कौन से मुझे जाने हैं. या और आपका पहले टारगेट सेट करो यार कॉलेज कौन से जाना है. आई मीन लास्ट वीक आई वॉज टेकिंग लेक्चर एट बोरीवली. मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो ठीक है. काफ़ी बच्चे क्लियर थे कि मुझे ये कॉलेज जाना है बट सम ऑफ द स्टूडेंट वेयर नॉट येट डिसाइडेड. तो ये एक थोड़ा सा सही नहीं है. आप कॉलेज पहले डिसाइड करो. तो मेरा तो हमेशा यही बोलना होता है हर बैच में चाहे मैं लाइव ले रहा हूँ चाहे मैं क्लासरूम ले रहा हूँ कि भाई पहले कॉलेज डिसाइड करो गोल सेट करो. अगर गोल ही नहीं पता होगा तो जाओगे कहाँ मतलब जाना क्या है कुछ क्लियर ही नहीं है ना. तो फिर तो कुछ मतलब स्पार्क तो होना चाहिए कि हाँ भाई चार्ज है अपन ये कॉलेज जाना है अपने को ये अचीव करना है गोल सेट करना पड़ेगा ना. तो आप नहीं तो फिर आप रैंडमली कुछ भी करोगे. तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है. अंडरस्टैंड अबाउट द एग्ज़ाम सेट योर गोल एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सेकेंड रीज़न लैक ऑफ रीडिंग हैबिट. ओवरऑल जो कैट का पेपर है उसमें रीडिंग तो लगेगी लगेगी भाई. वर्बल का सेक्शन मतलब अगर आप अच्छे रीडर नहीं हो ना अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग स्किल नहीं है ना डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन आपने ही सीखा हुआ है तो वर्बल सेक्शन में स्कोर नहीं बनेगा. तो रीडिंग हैबिट चाहिए. डेली का आप एटलीस्ट 1 घंटा द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है. सो द हिंदू में आपको पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा एडिटोरियल पेज आपको पढ़ना. उसके बाद जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है या इकोनॉमिक वाला पेज है वो थ्रू करना तो आप वो कर लो एटलीस्ट बिकॉज द हिंदू इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया ठीक है. तो उस लेवल का इंग्लिश अगर अपना सेट हो रहा है अपने को डेटा पढ़ के समझ में आ रहा है अपनी स्पीड बढ़ रही है तो आप थोड़ा रीडिंग वाइज तो इम्प्रूव कर जाओगे अंडरस्टैंडिंग वाइज भी इम्प्रूव कर जाओगे ठीक है. कैट के अंदर आपको क्वेश्चन डिकोड करना है भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. कभी कभी क्वेश्चन भी काफ़ी ट्विस्टेड दे देता है और हम क्या करते हैं कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन पर निकाल देते हैं ये नहीं होगा. 2 ऑप्शन पर हमेशा गाड़ी अटकी पड़ी रहती है. ये वर्बल वाले में प्रॉब्लम आती है ठीक है. तो रीडिंग पे अपना day 1 से काम करो. बींग एन इंडियन वी आर रिलक्टेंट टू रीड दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. हमें पाल लगाना अच्छा लगता है राइट. स्क्रोल करना रील देखना शॉर्ट्स देखना इसको बंद करो या कम करो ठीक है.
सो इसके अलावा आई सजेस्ट, मतलब आई वॉज रीडिंग द न्यूयॉर्क टाइम ऑल्सो, एप्लीकेशन आ जाता है तो अपने किंडल के अंदर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में होता है। मोबाइल पे करना है तो आप देख लो, मोबाइल पे पढ़ना है तो चॉइस इज योर्स, ठीक है। बट हाँ, अच्छे कंटेंट, हाई लेवल कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, कैसे डील करना है, वो अपन सेशन में करेंगे, अपने लाइव लेक्चर्स में, क्लासरूम में, वेर एवर यू हैव ज्वाइन मेरे हुआ, ठीक है। या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। थर्ड रीज़न, लोगों को लगता है कि कैट में ना सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है, तब जाके मेरा मार्क्स आएगा, विच इज़ अ बिगेस्ट मिथ भाई। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं और कोशिश भी मत करना, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये, ठीक है। आपने ओवरऑल जितने क्वेश्चन आते हैं कैट के अंदर, उसका 50-60% क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, मतलब आप काफ़ी 99 के ऊपर परसेंटाइल आपका जाने वाला है। सो अभी तो कैट के अंदर 66 क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका आधा 33, मतलब 35 के आसपास किया आप, 99 के ऊपर परसेंटाइल आपका जाने वाला है भाई। तो आपको मतलब 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन छोड़ रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो अच्छी बात है, बट हाई एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, गलत मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक से दो क्वेश्चन गलत किया, काफ़ी लोगों से आप नीचे गिरने वाले हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को नहीं पता है सारी चीज़ें। आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करो, सो दैट अदर पर शुड नॉट डू ऑल दिस मिस्टेक एंड दे कैन क्रैक कैट एंड गेट इन टू द बेस्ट MBA कॉलेज। IIM देख रहे हो आप, SP जैन देख रहे हो आप, MDI गुड़गांव देख रहे हो, FMS देख रहे हो, जो भी कॉलेज आप देख रहे हो, ये सारी मिस्टेक्स मत करना। फोर्थ रीज़न, क्वांट का जो सेक्शन है, बेसिक पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, एडवांस लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जितने लोग का बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है या वीक हो, उन बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। उनके लिए तो मेरा एडवाइस ये है कि भाई आप डे वन से चालू हो जाओ, पहले बेसिक कैलकुलेशन, फिर स्पीड कैलकुलेशन, फिर कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिसिंग दी इजी लेवल मॉनिटेबल क्वेश्चन, देन टच लिटिल हायर लेवल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके मेन बोर्ड के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग द पास्ट ईयर पेपर एज वेल, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हो एंड यू विल गेट टू नो द व्हाट फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चन कैट इज आस्किंग। वर्कशॉप वगैरह भी विल बी डूइंग, तो वो एक आपके लिए एड ऑन रहेगा, ठीक है। बट यार मैथ्स अगर आपका वीक है ना, ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे से बोलोगे सर x+5=10, तो एक्स की वैल्यू फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव मैंने लिख दिया, तो आप पूछोगे एक्स की वैल्यू फाइव कैसे आ गई, तो भाई मैथ ज़्यादा वीक है अपना। तो अगर आपको इक्वल टू के साइड फाइव जाएगा, 10-5 होगा, ये नहीं पता, तो बहुत मतलब फिर आप थोड़ा ट्यूशन ले लो मैथ्स का बेसिक, ओके। बहुत सारे बच्चों लोगों को मैंने देखा ये भी नहीं आता, तो यार आप फिर कैट के बारे में तो कैसे सोचेंगे। तो आपको कैट निकालना है एटलीस्ट वो लेवल पे आने के लिए, आपका थोड़ा बेसिक ठीक ठाक करके रखो। दैट इज़ वाई मेन्यू वर्क के इनिशियल जो लेक्चर है वो फंडामेंटल्स होते हैं, और वीडियो के फॉर्मेट में भी हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर आपके लेक्चर में भी है, फिर देर इज अ सेशन डाउट एंड ऑल। तो मतलब आप एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार कर लोगे ना, तो काम बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। इतना करना रहेगा अपने को मैथ्स में। एंड लास्टली यार, मॉक लिखना मत भूलो, मतलब काफ़ी एटलीस्ट 15 से 20 मॉक तो आप लिख के जाओ, उसकी एनालिसिस काफ़ी अच्छे से करो, मिस्टेक पे काम करो, जो चीज़ें अच्छी है आपकी, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और बेटर करो। स्कोरिंग वाले जो सेक्शन है आपके, वो है क्वांट एंड वर्बल। जो मैनेजेबल सेक्शन है वो है LRDI। आप जिससे भी पूछ लो, मैक्सिमम एस्पिरेंट, मतलब ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट का जो कैट के अंदर स्कोर आएगा वो वर्बल एंड क्वांट पे बढ़ेगा। LRDI तो भाई मैनेज करने वाला सेक्शन है, वहाँ पे स्कोर मैक्सिमाइज करना चैलेंजिंग है, ठीक है, तो वो मैनेज करने आना चाहिए। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए अगर आप कैट लिखने वाले हो तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरी वन, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको भी वीडियो बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।